ये रही ड्यूक 390, सुपर ड्यूक 390, और ये रहा भाई इसका चाबी। ड्यूक 70 भाग गया क्या? फोर्थ गियर, ड्यूक 70 पूरा काम कर रहा है। पूरा ड्यूक शिफ्टर भाई पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। देखो यहाँ पर, हाँ चलाओ वो, ये शुक करना है, यहाँ पर आराम से भाई काम कर रहा है। फ्यूचर जो दिया हुआ है ना पूरा वर्क कर रहा है, कूट कूट कर फ्यूचर इसमें भरा हुआ है भाई, पूरा फ्यूचर से बाइक लोडेड है, पूरी बाइक लोडेड है भाई। यहाँ पर आप सुनना, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई साहब आ चुके हैं KTM के शोरूम, और यहाँ पर अपने सामने खड़ी है भाई सुपर ड्यूक 390 और यहाँ पर 250 ड्यूक 250। तो अभी लेकर चलने वाला है भाई सुपर ड्यूक 390 को, इसका टेस्ट राइड लेने वाले हैं और परफॉर्मेंस क्या है सारा कुछ बताने वाले हैं। और बाकी तो भाई इस बाइक में इतना ज़्यादा फ्यूचर अपडेट कर दिया गया, पूरे फ्यूचर के साथ ये बाइक लोडेड है। अब कितना आपको बताएंगे, एक एक फ्यूचर करके बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सामने से आपको एक बार मैं यहाँ पर मीटर इसका दिखा देता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर मीटर आता है कुछ इस तरीके का, और सामने से लुक एक बार दिख लो आप। यहाँ पर एलईडी लाइट के साथ यहाँ पर साइड में DRL आता है, सारा कुछ USD फॉक्स के साथ है, 250 लगी हुई है। तो इसका भी एक बार आपको सामने से मीटर दिखा देता हूँ। तो भाई मीटर में थोड़ा वो डिफरेंस है, पहले जो इसका ड्यूक 250 का मीटर आता था वो भाई डिजिटल नहीं था, यहाँ पर डिजिटल मीटर आता है भाई आपके पास डिस्प्ले के साथ, सारा कुछ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ABS कंट्रोल करना हो गया, स्पॉट मोड हो गया, और सारा कुछ है। तो भाई साहब अब दोनों बाइक का यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस क्या है दोनों बाइक का, वो पहले एक बार पूछ लेते हैं भैया से। दोनों बाइक किस रेंज में आपको ऑन रोड यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा बिहार शरीफ में? तो भाई पहले आप बता दिए 250 का क्या प्राइस अभी चल रहा है ऑन रोड प्राइस बिहार शरीफ का? 279 2,79,000 है यहाँ पर, अदर 390 है। तो 390 का क्या प्राइस चल रहा है अभी? 369 चल रहा है, 3.69 इसका चल रहा है भाई, और 279 इधर इसका चल रहा है। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी बाइक परचेज करना है या टेस्ट राइड लेना है और परफॉर्मेंस चेक करना है इसका, तो बिहार शरीफ में शोरूम में आकर विजिट कर सकते हो। तो अभी तो मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर ड्यूक 390 को टेस्ट करने के लिए, इसका परफॉर्मेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर और टॉप स्पीड क्या है। अगर टॉप स्पीड यहाँ पर हो जाएगा ट्रैफिक में इतना, तो टॉप स्पीड भी चेक कर लेंगे, ऐसे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर होगा, और भाई नॉर्मल राइड करके बताएंगे परफॉर्मेंस। बाकी तो भाई बाइक के बारे में क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। सामने से एक बार आप लुक देख लो इसका, ये आपको भाई पूरा सुपर ड्यूक का लुक देती है, सुपर ड्यूक का 400 cc की बाइक है भाई, और आपको पूरा लुक मिलता है 1290 cc की जो आती थी ड्यूक 390 उसका लुक मिलता है। यहाँ पर सीट भी देख सकते हो, सीट भी काफ़ी बड़ा बड़ा सीट दे दिया गया है, और कुशन के साथ यहाँ पर सीट है भाई दोनों सीट, और यहाँ पर हैंडल ग्रैब काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पर अगर आप बैग भी रखते हो या पिलियन बैठता भी है तो भाई काफ़ी सेफ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस है आपके लिए। और इसका पीछे का लाइट देखो भाई, यहाँ ऊपर तक लाइट दिया हुआ है, टेल लाइट जो है ना यहाँ ऊपर तक है, ऐसे यार नीचे में रहता था टेल लाइट पहले इसका, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया। इंडिकेटर तो देख सकते हो LED इंडिकेटर के साथ है। तो भाई ये भी E20 के साथ आ रही है, अब जितनी बाइक तो भाई सब E20 के साथ आ रही है। सारा लुक तो मैं आपको यहाँ पर इसका दिखा दिया, अदर सब कुछ सेम है भाई इसका भी, बस पावर का फर्क है इसमें, ये 250 है ये 390 है, बाकी दोनों को सेम तरीके से लॉन्च किया गया है। और दोनों का एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। तो बैठता हूँ यहाँ पर मैं पहले बाइक पर, बैठने के बाद भाई कुछ अलग टाइप्स का फील आता है। यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हो, सारा डिस्प्ले यहाँ पर भाई, बहुत सारा स्विच है यहाँ पर मोड का है आपको, और यहाँ पर ABS मोड करना है वो कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल का भी है। और आप इस बाइक में तो सबसे बड़ा फीचर ये है भाई कि अगर इस बाइक को आप लॉक कर देते हो 60 के स्पीड में, 90 के स्पीड में, कितने के स्पीड में भी लॉक हो जाएगा यहाँ पर, तो वो चीज़ भाई उससे ज़्यादा बाइक स्पीड जाने वाली नहीं है, और क्यूक शिफ्टर के साथ है। तो एक बार पहले सेल्फ स्टार्ट करते हैं, इधर एग्जॉस्ट सुनाते हैं आपको। ये भाई अंडर बेली है इसका भी एग्जॉस्ट, देख सकते हो भाई जैसे ही यहाँ पर 8000 RPM टच करता है तो पूरा रेड लाइट कैसे आता है। तो अब आपको सुनाता हूँ ड्यूक 250 का एग्जॉस्ट नोट। ड्यूक 250 का भी अंडरबेली है, भी देख सकते हैं इसका डिस्प्ले है, बस उससे डिस्प्ले अलग है, अपडेट कर दिया गया। पहले 200 का डिस्प्ले आता था वो भाई बस यहाँ पर मीटर शो करता था, अब यहाँ पर डिजिटल मीटर आ गया डिस्प्ले के साथ, वो चीज़ शो करता है। यहाँ पर आपको 7000 RPM के बाद लाइट शो करता है, वहाँ पर पूरा डिस्प्ले रेड हो जाता है ड्यूक 390 का। और इसमें भी भाई आपको हर तरीके का मोड दिया गया है, अगर आपको ABS ऑफ करना है
डबल चैनल ABS है, ब्लूटूथ से बाइक को कनेक्ट कर सकते हो और सारा कुछ मोड इसमें दिया हुआ है, वो फीचर भाई आपको अलग से एक बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर बाइक को लेकर निकलते हैं भाई ड्यूक 390 को, पहले उसका पहले जाकर टेस्ट राइड लेते हैं और देखते हैं फीचर, आपको सारा कुछ बताते हैं। तो चलो चलते हैं सीधा, से बाइक को निकाल कर सीधा चलते हैं हाईवे की तरफ, उसके बाद आपको सारा टॉप स्पीड बताने वाला हूँ, लाइव परफॉर्मेंस। लेके बाइक को निकल चुके हैं हाईवे की तरफ और यहाँ पर भाई मीटर ऑफ है, वो कुछ रीज़न है भाई उसके वजह से ऑफ है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पीड शो करेगा, मैं दिखा दूंगा स्पीड कितना टॉप स्पीड जाती है बाइक अभी तो टू गियर पर। भाई काफ़ी ख़तरनाक पावर है यार, काफ़ी ख़तरनाक पावर है। सो भाई साहब वो पावर पूरा फील हो रहा है यार, जो 46 PS का पावर है और 37 Nm का टॉर्क है इसका यार, ये भाई काफ़ी ख़तरनाक है भाई, लग रहा सुपर ड्यूक चला रहा हूँ। अरे भाई साहब काफ़ी ख़तरनाक है, बस आगे में ट्रैफिक नहीं रहा ना तो यहाँ से भाई फाड़ते हुए लेकर जाऊँगा और खुद दिखाऊँगा। एक भाई ये स्ट्रीट फाइटर की तरह लग रही है बाइक, स्ट्रीट फाइटर है यार, सुपर ड्यूक वाला पूरा फील आ रहा है। अभी तो मेरे को पता नहीं चल रहा है ये कितने की स्पीड में जा रही है, लेकिन भाई वहाँ पर मैं मीटर लगाकर आपको दिखा दूंगा, व्लॉग में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में कितने की स्पीड चल रही है बाइक, क्योंकि यहाँ पर मीटर तो शो नहीं कर रहा है। और जहाँ भाई 8000 RPM के पास पहुँच रही है बाइक, उसके बाद यहाँ पर पूरा रेड रेड हो जा रहा है यार, काफ़ी ख़तरनाक सा। एक बार आपको बाहर में इसका रुक के लुक दिखाता हूँ, एक बार ये देखना है, न्यूट्रल करता हूँ इसको। सो भाई साहब ये रही ड्यूक 390, सुपर ड्यूक 390 और ये रहा भाई इसका चाबी, ये अब इसको लेकर आ चुका हूँ मैं हाईवे पे और यहाँ पर मैं पूरा प्रॉपर टेस्ट राइड लेने वाला हूँ। अभी तो मैं थोड़ा इसको भगाया हूँ, अभी आगे और भगाने वाला हूँ। यहाँ पर आप सामने देख सकते हो यार क्या लुक लग रहा है इसका भाई साहब, काफ़ी खतरनाक एकदम सुपर ड्यूक वाला मेरे को फील आ रहा भाई। सुपर ड्यूक तो मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन मैंने वीडियो में देखा है, लग रहा भाई सुपर ड्यूक वीडियो से निकल कर मेरे सामने आ चुकी है इसका, क्या यहाँ पर हेडलाइट या DRL, ओ भाई साहब। तो और बात करते हैं भाई इसके फ्यूचर की, जो इसके अंदर फ्यूचर कूट कूट के भरा गया है, तो भाई साहब उसके बारे में जितना बात किया जाए उतना कम, मैं ज़्यादा बात करूँगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके अंदर काफ़ी कूट कूट के फ्यूचर भरा हुआ है, इतना ज़्यादा फ्यूचर बना हुआ है। देखो अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है तो यहाँ पर साफ शो कर रहा है भाई एकदम, कितना बड़ा न्यूट्रल है यहाँ पर, गियर इंडिकेट करता है यहाँ पर, ABS का आपको शो कर रहा है, फ्यूल का भाई यहाँ पर है और बाकी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसमें क्यूक शिफ्टर भी है, बिना क्लच लिए आप गियर अप एंड डाउन कर सकते हो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना, वो भी मैं चेक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ सब कुछ आराम से। और पीछे से भी लुक देखोगे तो भाई पीछे से भी काफ़ी ख़तरनाक लुक है, और इसका सीट भाई काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल। और इधर से देखोगे तो भाई लग रहा है पूरी बाइक का चेसी उसी सारा कुछ आपको दिख रहा है, हर एक चीज़ यहाँ पर, इंजन भी चेंज किया गया है यहाँ पर, आप शोकर देख सकते हो। तो वो सब चीज़ छोड़ो भाई, यहाँ पर आप इसका एक डिस्क ब्रेक देखो, आगे का जो डिस्क ब्रेक इसमें दिया गया है काफ़ी बड़ा सा, काफ़ी बड़ा है इसका, और पीछे का उसके अकॉर्डिंग छोटा है लेकिन ठीक ठाक है पीछे का, देखा जाए तो सारा कुछ ठीक। शोरूम में आपको अच्छे से एग्जॉस्ट नोट मैं नहीं सुना पाया, यहाँ पर एक बार सुना देता हूँ, ये चेक करो भाई यहाँ पर आप सुनना, ओ भाई साहब काफ़ी ख़तरनाक है, और ये लाइट आगे से जलता है तो और भी ख़तरनाक लगती है बाइक। चलो फिर अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर, तो भाई मैं यहाँ पर चेक कर भी लूँगा तो अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको, यहाँ पर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा वीडियो में, वो चीज़ आप देख लोगे। और इधर हाईवे पे भाई काफ़ी ज़्यादा हाईवे बिजी है, काफ़ी ज़्यादा बाइक चल रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बस और ट्रक चल रहा है, तो भाई हाईवे काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो मैं उतना ज़्यादा भी भगाने वाला नहीं हूँ भाई। सेकंड गियर पर ना लगता है ये पुल अप मार रही है भाई, पीछे मेरे को भीग रही है, पूरा चक्का उठ रहा है ऐसा फील आ रहा है, ये वेली आराम से भाई पुल अप हो जाएगी सेकंड गियर पे भी मेरे को लगता है। अब यहाँ पर भगाता हूँ, पूरा काम कर रहा है, पूरा क्यूब शिफ्टर भाई पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, देखो यहाँ पर, हाँ चलाओ ये शुक करना, यहाँ पर आराम से भाई काम कर रहा है,
फ्यूचर जो दिया हुआ है ना पूरा वर्क कर रहा है, कूट कूट कर फ्यूचर इसमें भरा हुआ है भाई, पूरा फ्यूचर से बाइक लोडेड है, पूरी बाइक लोडेड है भाई, और भाग रही है लगता है मेरे को पीछे बिक रही है भाई। ये 390 चलाकर ऐसा फील आ रहा है कि मैं कोई सुपर बाइक चला रहा हूँ, कसम से भाई लग रहा है सुपर बाइक में राइड कर रहा हूँ यहाँ पर। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। इसका फर्स्ट सेकंड गियर भाई आराम से चलाओगे जो तभी अच्छा है, अगर तुरंत छोड़ डल दिए तो भाई आगे का चक्का उठ जाने वाला है। क्यूब शिफ्टर का भाई पूरा फायदा उठा रहा हूँ यहाँ पर मैं, पूरा फायदा क्यूब शिफ्टर का उठाते हुए, मज़ा लेते हुए भाई, मज़ा आ गया, बता नहीं सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है। इधर इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो रोड थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यार इधर मज़ा आ रहा है चलाने में, फील नहीं आ रहा कि भाई मैं कुछ ऐसे ख़राब रोड में बाइक चला रहा हूँ। सीट एकदम भाई कंफर्टेबल है और हैंडल भी काफ़ी मस्त लग रहा है, स्ट्रीट फाइटर है भाई, नेक बाइक है, मेरे को तो नेक बाइक काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आता है, स्पोर्ट बाइक उतना ज़्यादा नहीं, कवरिंग बाइक मेरे को अच्छी नहीं लगती, नेक्ड बाइक है ये, काफ़ी ख़तरनाक है। तो भगाते हैं, देखो इधर कैसे भागती है रॉकेट की तरह, वो भाई साहब रॉकेट रॉकेट है ये, खतरनाक, छोटा पैकेट बड़ा धमाका भाई, काफ़ी ख़तरनाक बाइक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। सो भाई साहब वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई इस ब्यूटी के लिए एक कमेंट अच्छा सा छोड़ कर जाना कि ये बाइक भाई आपको कैसी लगी और उसका फ्यूचर कैसा लगा। और भाई मेरे को तो काफ़ी पर्सनली बहुत ही ज़्यादा ये बाइक पसंद आ गई है यार, इसका ये लाइट जो DRL लाइट है रात में यार काफ़ी ख़तरनाक लगने वाला है ये, तो आप लोग भाई कमेंट कर ज़रूर जाना नीचे में यहाँ पर, चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना एक बार, क्योंकि भाई आप लोग एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना,